तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग? अरे अंधेरा हो गया। फ्लैश बहुत ज़्यादा मारता है। तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग? अभी बहुत ही एक इम्पोर्टेंट मीटिंग था मेरा जूम पे। किस चीज़ का मीटिंग था वो तो बाद में बताएंगे, लेकिन लाइट कट गया। मेरा मीटिंग था 2 बजे और उस टाइम भी लाइट कटा हुआ था, लेकिन उस टाइम किस्मत अच्छा था, मीटिंग पोस्टपोन्ड हो गया और 6:30 बजे हो गया। लेकिन अभी बज रहा है 6, अभी भी लाइट कटा हुआ है। तो दोस्तों बहुत खुशखबरी का बात है कि लाइट आ गया है। चलिए अपना जूम मीटिंग कंटिन्यू करते हैं। पहले थोड़ा गेटअप चेंज कर लेते हैं, उसके बाद जूम मीटिंग करते हैं, बाद में बताएंगे क्या हो रहा है जूम मीटिंग में। तो दोस्तों इस बार बाल कुछ ज़्यादा ही अजीब नहीं कटा है? कमेंट करके बताइए कि कैसा बाल कटा है, हमको तो कुछ समझ में आ नहीं रहा है। अच्छे खासे लड़के का हुलिया ख़राब कर दिया बार बार, बताइए। अच्छा अभी ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, अभी पहले अपना हुलिया चेंज कर लेते हैं, उसके बाद में आप लोगों से अच्छे से बात करते हैं। तो दोस्तों आप बताइए कि कैसे दिख रहे हैं? ये शर्ट हम रखे थे किसी का शादी में जाने के लिए, पार्टी वगैरह में जाने के लिए, आयरन करके अच्छे से। लेकिन अब देखिए क्या से क्या हो गया है। अब लॉकडाउन के चलते अब जूम मीटिंग में बैठने के लिए ये शर्ट का यूज़ करना पड़ रहा है। तो चलिए देखते हैं कहीं हम लोग पार्टी में अच्छा पार्टी छोड़िए, अभी पहले जूम मीटिंग कर लेते हैं, उसके बाद सोचा जाएगा आगे पार्टी में जाने का। तो गुड मॉर्निंग सबको। आज है अगला दिन। कल तो जूम मीटिंग उतना कुछ अच्छा होने नहीं पाया, इसीलिए फिर आगे ब्लॉग नहीं कर पाए, पूरा मूड ख़राब हो गया था। हम गए थे अपने अंकल के साथ, कुछ काम था वहाँ पे। हम सोचे कि कैमरा निकाल के थोड़ा ब्लॉग करते हैं, क्योंकि 6 महीने से अभी कहीं भी ब्लॉग किए नहीं हैं, इसलिए बहुत ही ज़्यादा अजीब फील हो रहा है ब्लॉग करने में बाहर में कहीं। इसीलिए हम एक चैलेंज लेने जा रहे हैं, व्लॉगिंग इन पब्लिक। हम लोग के पास में ही एक छोटा सा तालाब है, वहाँ पे आज हम जाएंगे और वहाँ पे व्लॉग करने का कोशिश करेंगे पूरा पब्लिक में, और पब्लिक रिएक्शन आपको हम अब बताएंगे। तो ये सब अगले वीडियो में होगा, इसलिए अगला वीडियो मिस मत कीजिएगा। अगर हम आपको अभी दिखाएं सामने तो छोड़िए, हटाइए। यहाँ से ऑन करना पड़ता है तब जाके लाइट ऊपर होता है। लाइन कटा हुआ नहीं था, लाइन था शायद, एक मिनट चेक कर लेते हैं। लाइन है, लाइन कटा हुआ है नहीं, लेकिन फिर भी अगर देखा जाए तो लाइन बहुत ही ज़्यादा कटता है। और एक बात बहुत ही ज़्यादा अजीब लगता है कि झारखंड में इतना सारा खनिज पदार्थ है और इतना रॉ मटेरियल है जिससे बिजली उत्पादन होता है, फिर भी यहाँ पे लाइन इतना ज़्यादा कटता है। तो सोचिए क्या स्थिति है। कम से कम यहाँ तो लाइन नहीं कटना चाहिए। ऑल ग्रेट लीडर्स आर रीडर्स। दोस्तों आप लोगों के लिए एक नया चैनल खोले हैं जिसका नाम है बिब्लियो फाइलर्स, उसको जाके सब्सक्राइब करिए। उसमें बुक से रिलेटेड और बुक रीडिंग से रिलेटेड प्लस सेल्फ ग्रोथ से रिलेटेड ढेर सारी बातें उसमें की जाती हैं और बताई जाती हैं। तो नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसे जाके चेक करिए और सब्सक्राइब करिए अच्छा लगे तो। दोस्तों मीडिया में और सोशल मीडिया में इतना सारा बात चलता रहता है जिससे एक आम इंसान आराम से 5 से 6 घंटे इंटरटेन हो सकता है, लेकिन इंटरटेनमेंट में अपना टाइम वेस्ट ना करें, कुछ सेल्फ ग्रोथ में टाइम वेस्ट करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और किसी भी मुद्दे को लेके हम हाईलाइट नहीं कर रहे हैं, किसी को भी पॉइंट आउट नहीं करके नहीं बोल रहे हैं, बस बोल रहे हैं कि आपका टाइम बहुत ही ज़्यादा कीमती है, उसे सही जगह पे लगाइए। तो आज का ब्लॉग यहीं तक रखते हैं, बहुत ही ज़्यादा समय हो चुका है, ब्लॉग हम कंटिन्यू नहीं कर पाए ज़्यादा, क्योंकि ढेर सारा मीटिंग चल रहा था। इसीलिए मीटिंग 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 इस ब्लॉग में सिर्फ मीटिंग का ही बात हुआ है, क्योंकि अभी थोड़ा ज़्यादा बिजी हो गए हैं। अब धीरे धीरे सब चीज़ खुलने लगा है, कॉलेज वगैरह खुलने लगा है, तो सबका काम करना पड़ता है और पढ़ाई लिखाई में भी ध्यान देना पड़ता है अच्छे से एक्टिवली, इसीलिए थोड़ा बिजी हो गए हैं, ब्लॉग कंटिन्यू नहीं कर पाए। ये रूम है छोटा सा, इसको थोड़ा सा बनाए हैं अपने मुताबिक। अभी इसमें और भी काम करवाना है, ऐड करना है, लाइट वगैरह लगाना है, लाइटिंग और अच्छे से करना है। देखते हैं फ्यूचर में और क्या क्या होता है, कर पाते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया तो सब्सक्राइब का बटन ठोक दीजिए और अगले ब्लॉग का इंतज़ार करिए। थैंक यू सो मच।